योर हाइनेस, प्रिंसेस ने हमारा घर तोड़ दिया। अगर ऐसा ही रहा तो आपके बाद हम उसे अपनी क्वीन नहीं मानेंगे। दादी, ये रही। ये क्या कह रहे हैं बार्बी, आपने इनका घर तोड़ दिया? नहीं दादी, आप गलत समझ रहे हैं, पर ये भी गलत समझ रहे हैं। इनके घर में सांप घुसाया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो बस इनको सांप से बचाने के लिए मैं उस सांप को बाहर निकालना चाहती थी, और गलती से जादू उल्टा पड़ गया और इनका घर टूट गया। दादी, मैं जानबूझ के नहीं किया ऐसा। नहीं एनएस, कोई सांप नहीं था, इन्होंने हमारा घर जानबूझ के तोड़ा है। अब मुझे नया मेंशन चाहिए रहने के लिए। दादी मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको पता है हमारे यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। बस कीजिए, हमें और कुछ नहीं सुनना है। आपका नया घर बनवाना मैं तुरंत ही शुरू करवा देती हूँ। चाहिए। थैंक यू योर हाइनेस। और आप बार्बी, आपको जो लगता है कि आपकी छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो बहुत ही बड़ी गलतियाँ हैं, और एक प्रिंसेस होने के नाते आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता है। अगर आप आगे जाके क्वीन बनना चाहती है तो आपको अपनी ये हरकतें बंद करनी पड़ेगी। इसलिए हम आपको सजा देते हैं कि आपको लोगों की मदद करना सीखना होगा। आज से एक महीने तक आप धरती पर जाएंगी और आम लोगों की तरह ही रहेंगी, और उनसे सीखेंगी कि कैसे लोगों की मदद की जाती है। क्या पृथ्वी पर अकेले? दादी मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? बस कीजिए। ठीक है, मैं पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मुझे मेरा बनी साथ ले जाने दीजिए, प्लीज़ दादी। ठीक है, इसे आप अपने साथ ले जा सकती हैं, और जब तक आपको सीख नहीं मिल जाती आप बार्बी वर्ल्ड में वापस नहीं आ सकती हैं। ठीक है दादी। बनी, यहाँ पे कितना सारा खाने का सामान है, चलो खाते हैं। क्या ड्रामा है, हर एक किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गई होगी ना। छोड़, हमें क्या, हम भी शॉपिंग करते हैं।
अरे बेटा पैसे तो देती जाओ। पैसे? पैसे क्या होते हैं भैया? मेरे को तो भूख लगी थी ना, तो मैंने खा लिया। क्या हुआ, मजाक करिए मेरे साथ? कैमरा वैमरा लगा हुआ है यहाँ पर, प्रैंक शूट हो रहा है क्या? प्रैंक? पैसे? क्या बोल रहे हो भैया? ये होते पैसे, तुम ये पैसे दोगी तभी मैं तुम्हें खाना दूंगा। अच्छा ये कागज होते हैं पैसे, अभी लाती हूँ मैं। ये लो भैया बहुत सारे पैसे, अपना आप मुझे ये सारा का सारा सामान दे दो। पहले तो ये सामान रख, नीचे रखिए सामान। अरे ये से डांट क्यों रहा है? जो जितना भी तूने खाया ना उसके पैसे निकाल के दे। लगता है पागल है बेचारी। चल ना इसकी हेल्प करते हैं। हाँ तू सही कह रही है, चल। भैया ये हमारे साथ है। हाँ जो भी इसने खाया उसकी पेमेंट मैं कर देती हूँ, आप स्कैनर दे दीजिए। अच्छा तुम दोनों आ गए, मैंने तुम्हारी पागल दोस्त को मैं आज बता देता। ले जाइए। अजीब पागल थी। ये दोनों अच्छी लड़कियां लग रही है, इन्हें अपना दोस्त बना लेती हूँ। कर रही है, जाना अपने घर जा। तो मुझे आपसे पूछना था कि ये पैसे क्या होते हैं और आप कहाँ से लाते हो पैसे? अच्छा तुम भी अपने लिए मनी अर्न करना चाहती हो, चलो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। ये देखो मेरा फ्रेंड बॉन्ड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे तुम कैश एंड प्राइजेस विन कर सकती हो, जैसे कि आईफोन और भी बहुत कुछ। अच्छा मुझे और कुछ भी बताओ ना। बॉन्ड्स बहुत सारी गेम्स की वैरायटी ऑफर करता है जिसमें तुम मनी अर्न कर सकती हो मजे से गेम्स खेल के। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जिसमें हर किसी की पसंद का कुछ ना कुछ है। तुम इजीली अपना विनिंग प्राइस सिक्योर एंड यूजर फ्रेंडली सिस्टम से कहीं से भी विदड्रॉ कर सकती हो। बॉन्ड्स अपने यूजर का ध्यान रखता है कि आपकी अर्निंग आपके पास हो जब भी आपको उसकी जरूरत हो। मैं भी जरूर ट्राई करूंगी ये। हाँ और प्रोमो कोड Nancy100 यूज करोगी तो तुम्हें फर्स्ट टाइम रजिस्टर करने पर 20,000 का स्पेशल बोनस मिलेगा। ठीक है मैं भी अपने बार्बी वर्ल्ड में जाके ना इसको रजिस्टर करूंगी और सबसे रजिस्टर करवा दूंगी। बार्बी वर्ल्ड? मेरी दादी ने जो वहाँ की क्वीन है उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, क्योंकि मैं लोगों को परेशान करने लगी थी तो मुझे सबक सिखाने के लिए और ताकि मैं सीख जाऊँ मुझे यहाँ पर धरती पे भेजा है उन्होंने, और इसलिए मुझे अब 1 महीने तक यहीं पे रहना है। बार्बी वर्ल्ड ऐसी बैकी बैकी बातें की जा रही है, तो सच में ही पागल है। तुम दोनों मेरे दोस्त बन जाओ और मुझे अपने घर ले चलो। चल चल अपने घर जा। ये हमारा पीछे क्यों कर रही है? लगता है ये सही में ही पागल है। चल अच्छा तो फिर हुआ क्या कि मैंने वो पे को वो पसंद था ब्लू वाला टॉप, तो फिर मैंने वो बाय कर लिया। अभी बाय करने के बाद ये तो हमारा पीछे ही नहीं छोड़ रही है, पीछे आए जा रही है, आए जा रही है। भागे, चल धीरे धीरे भागते हैं। बनी, लगता है यहाँ पे हमारा कोई दोस्त नहीं बनेगा।
भी खड़ी है। अरे खड़ी रहने देना हमें, क्या मुझे गेम खेलने दे, छोड़। ओए देखना ये पागल लड़की अभी तक यहीं पर खड़ी है, और रात को ये ऐसे अकेले खड़ी है। चल इसके पास चलते हैं। चल तुम अभी तक घर नहीं गई? मैंने आपको बताया ना मेरा घर बहुत दूर है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, और वैसे भी मेरी दादी ने मुझे सजा दी है, मुझे पूरा एक महीने तक यहीं रहना है। लगता है ये ना सच कह रही है, इसने जो स्टोरी सुनाई थी वो भी सच्ची है। इसके कपड़े देखना एकदम बारबी वाले हैं, और ये देख कितनी सुंदर है, ये सही में बारबी वर्ल्ड से आई है। क्या तुम सच्ची में बारबी वर्ल्ड से आई हो? हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, वैसे भी हमारी दुनिया में झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलने पर सजा मिलती है। शायद ये सही कह रही है। हाँ लेकिन हम इसे ऐसी रात में अकेला नहीं छोड़ सकते। तो क्या करें, घर ले चले? लेकिन मम्मी, मम्मी तो गुस्सा करेगी ना। इसको छुपा देंगे ना घर में कहीं। हाँ चलो तुम हमारे साथ चलो। फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स। हमारे यहाँ पे भी ना व्हाइट और पिंक कलर के यूनिकॉर्न्स होते हैं। बैठो ना। अरे ये यूनिकॉर्न्स नहीं बल्कि हॉर्सेस हैं। तुम्हारे बार्बी वर्ल्ड में सब पिंक कपड़े पहनते हैं क्या? तुम्हारे बार्बी वर्ल्ड में सारा खाना पिंक होता है क्या? वहाँ पे क्या पेड़ भी पिंक होते हैं? वहाँ पे सारा सामान पिंक मिलता है क्या? वहाँ पे तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर और भी बार्बीज हैं। बच्चों मम्मी मम्मी नीचे आ रही है, इसको छुपाना पड़ेगा कहीं। क्या कर रही थी दोनों तुम? हम तो कुछ नहीं कर रहे थे मम्मी। पता नहीं क्या करती रहती हो दोनों, मटर गश्ती पूरा टाइम। मैं मौसी के घर जा रही हूँ, मौसी की तबीयत खराब है, खाना बना दिया है खा लेना। ज़्यादा ना खुश होने की जरूरत नहीं है, घर को साफ रखना है और कॉलेज का असाइनमेंट पूरा कर लेना अपना। ठीक है मम्मी। अपना ख्याल रखना मम्मी। ज़्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना मम्मी। यस सही है मम्मी, दो दिन के लिए बाहर चली गई, अब हमें बार्बी को छुपाना भी नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, बार्बी को ना हमारी दुनिया घुमाते हैं कल। हाँ ये अच्छा आइडिया, चल चलते हैं। बनी आज हमारी न्यू फ्रेंड्स ना हमें पूरा धरती घुमाएंगी, और हम सब देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। बस अब जल्दी से ये दोनों तैयार होके आ जाए। बार्बी कैसे लग रहे हैं हम? नहीं ये अच्छा नहीं है, कुछ और पहन के आओ। चल चेंज करके आते हैं। Oh, 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 oh
अच्छे है, तुम दोनों ना ऐसे कपड़े पहना करो हमेशा। चलो अब चले घूमने। हाँ चलो चलते, चलो बनी। वाओ, इतना बड़ा घर। ये घर नहीं मॉल है। मॉल? यहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं और खाते पीते भी हैं। चलो चली गई। ये वाली नेल पेंट ना आप पे बहुत अच्छी लगती है। हाँ बार्बी। क्या हुआ काजल, क्या हुआ? हमारे कॉलेज में वो दो लड़के हैं ना, रौनक और सुल्तान, उन दोनों ने आज मुझे बहुत परेशान किया। मेरी चुटिया पकड़ के पूरे कॉलेज में मुझे गोल गोल घुमा दिया, बहुत परेशान कर दिया आज उन्होंने मुझे, और मेरा बैग लेकर फेंक भी दिया। पर ये दोनों है कौन, सुल्तान और रौनक? बार्बी ये दोनों बदमाश हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं और ये हमें रोज तंग करते हैं, कभी बाल खींचते हैं, कभी हमारे बुक्स फेंकते हैं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं इनसे। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे बार्बी वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं पर मैं उन्हें अच्छे से मजा चखाती हूँ। तुम लोग क्यों सहते हो, तुम लोग क्यों नहीं मजा चखाते उन्हें? बार्बी वो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम सब ताकतवर होते हैं, तुम लोग हिम्मत तो दिखाओ। अब एक काम करो, उनको फोन करो और बुलाओ उनको कहीं पे, उनको मैं बताती हूँ आज। बार्बी बिल्कुल सही कह रही है, तू उन दोनों को कॉल कर अभी। मैं अभी उन दोनों लफंगों को कॉल करती हूँ। हेलो सुल्तान, रौनक दम है तो साइड वाले पार्क में मिलके दिखाओ। तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से भी बोल दे। तुम दोनों को तो हम छोड़ेंगे नहीं, जल्दी आ। अब आने दो उन दोनों को, मैं बताती हूँ क्या होता है किसी को परेशान करना। चलो मेरे साथ चलो बने। हम दोनों को किस लिए बुलाया? और ये कौन है? अरे ये तो मैं लग रही ना बार्बी। बार्बी यही वो दोनों लड़के हैं जो हमें कॉलेज में बहुत परेशान करते हैं। हाँ अच्छा तो ये है वो दोनों। हाँ जाओ अब इनसे लड़ो। तो मैं क्या करूँ ये दोनों है तो, जाओ जाके लड़ो, मैं कब तक लड़ती रहूंगी तुम्हारे लिए? मैं तो एक महीने के लिए हूँ यहाँ पे, उसके बाद कौन तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। पर तुम ही तो यहाँ पे लेके आई थी इनको मजा सिखाने, अब इनसे लड़ो ना। हाँ तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती बार्बी। मैं क्यों लड़ू, तुम लोग लड़ो अपने लिए। और मारो बाबी, और मारो इनको। लड़ाई करते रहो, करते रहो, करते रहो। यस।
अबे तोड़ सा सांस मर रही है, काट भी रहा है। तोड़, अबे तोड़। ये, ये। बारवी हमें बचाने के लिए। अब मैं ऐसे ही तुम्हें बचाऊंगी, पर नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी तुम्हें खुद भी अपने आप को बचाना पड़ेगा। ओके बारवी। यार कौन थी वरना मुनी, पूरा दिमाग खराब कर दिया पिंक पिंक, उसने ना अपने जानवर से मेरी पिटाई करवा दी यार। भाई तेरी तो पिटाई पिटाई करवाई, पता नहीं उस जानवर ने मुझे कहाँ कहाँ काट लिया। पूरे कॉलेज में हमारी कितनी इज्जत थी, अगर किसी को पता चल गया उस पिंक कलर की बारवी ने अपने जानवर से हमारी पिटाई करवा दी तो यार थू थू हो जाएगी यार। कॉलेज में अपना कितना दबदबा है कि हम एमएलए के भाई हैं, हमें कोई कुछ नहीं बोलता एमएलए के भाई होने के कारण, और अगर ये बात भैया को पता लग गई भैया ना हमें पीट पीट के पिंक कर देंगे, लाल कर देंगे यार। लाल ये कौन है? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये कौन है? रुको, घबराओ मत, आज जो बाबी ने तुम्हारे साथ किया मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी सिर्फ मजा चिकाने में। आप सच कह रहे हो? यार मैं इतना मस्त कपड़े, यार भाई कपड़े तो मस्त है, अब लग रहे हैं हम एमएलए के भाई। हाँ अगर हमने उसे मारा तो क्या तुम हमें जादुई शक्ति दोगी? ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्तियाँ दे दूंगी, पर हाँ तुम्हें उस बाबी को खत्म करना पड़ेगा कल तक। जब जादुई शक्ति हमें मिल जाएगी उसके बाद हम लोगों को परेशान करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे अंदर शक्तियाँ आ गई है? मुझे भी सेम लग रहा है भाई। क्या ही छोटा, कल ट्राई करें। भाई तुम्हें तो शक्ति आ गई यार, मेरे अंदर शक्ति आ गई। अब उस बारवी की बच्ची को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसका पिंक रंग निचोड़ दूंगा। भाई मैं तो उसके गुड्डे को मारूंगा। बोलो हमें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम लोगों को पीटने के लिए। मुझे लगता है कि इन दोनों को पिछली पिटाई से अभी तक सबक नहीं मिला है, पर नहीं लगता है इन दोनों को दोबारा से सबक सिखाना पड़ेगा। जल गया ना बनी, बनी। ये कैसे जल गया? ये कैसे हो सकता है? बनी हाँ बारबी, जो सिखाने के लिए हमने आपको धरती पर भेजा था वो आप सीख चुकी हैं, कैसे लोगों की मदद की जाती है
हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। हाँ दादी, हम मैं समझ गई हूँ। और ये हरकत किसकी है, किसने इन्हें जादुई शक्तियाँ दी है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे मैं बार्बी वर्ल्ड में संभाल लूंगी। अब आपकी सजा खत्म होती है, आप वापस बार्बी वर्ल्ड में आ सकती हैं। अपने दोस्तों को अलविदा कह दीजिए। थैंक यू दादी। तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। ठीक तो ना? हाँ ठीक है। तुम दोनों को ना अच्छे से मजा चखाऊंगी। तुम लोग बहुत घमंड करते हो ना अपने ऊपर कि तुम्हारे कॉलेज में बहुत नाम है, लोग तुमसे डरते हैं। अब देखो, आज के बाद ना तुमसे कोई नहीं डरेगा, सब तुम पे हंसेंगे। ए, 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 ये तो पिंक कलर है। चुपचाप यहाँ से निकल ले, अगर किसी को पता चल गया ना हमारी फूट हो जाएगी। अब तुम दोनों को ये दोनों कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और मुझे अपने बार्बी वर्ल्ड में जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी दादी की दी हुई सजा पूरी हो गई है, मुझे मेरी जादुई शक्तियाँ भी वापस मिल गई है। नहीं बार्बी, तुम हमारे साथ रहो ना। हाँ। तुम लोग चिंता मत करो, जैसे मैंने इन दोनों को हराया ना, ऐसे ही तुम लोग भी उसे हरा सकती हो, अपनी हिम्मत दिखा के। कभी भी किसी से डरना मत, ठीक है? मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बोन्स ऐप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बहुत ज्यादा प्राइजेस विन कर सकते हो, तो वेट किस चीज का कर रहे हो? जल्दी से मेरे साथ अपनी विनिंग जर्नी स्टार्ट करो। और हाँ, रजिस्टर करते टाइम मेरा प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। पिंड कमेंट में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप बॉन्स ऐप को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपके साथ आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक बाय बाय, लव यू ऑल।